मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं भोपाल हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बाढ़ की स्थिति के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है। साथ ही रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नदियों को जोड़ना चाहते थे, अगर नदियां जुड़ गई होती तो आज मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात पैदा ही नहीं होते। बाढ़ की और सूखा की वजह ही कांग्रेस है और उसका कारण मैं आपको बता दूं कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे नदी जोड़ो अभियान, और अगर उस समय उस प्रस्ताव पर काम हो जाता तो ना अधिक वर्षा से कोई क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होते और ना कम वर्षा से सूखा क्षेत्र घोषित होते, क्योंकि नदियों को अगर हम एक दूसरे से लिंक कर देते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कुछ ही नदियां हैं जो बारहमासी हैं, बाकी नदी बरसाती हैं, और बरसाती नदियों का जो पानी का फ्लो आता है उसको हम बारहमासी नदियों में और आसपास के नालों में जब कन्वर्ट कर देते तो सारे क्षेत्र में पानी होता, रिचार्ज भूमि होती, हरियाली जिंदा होती और बाढ़ की त्रासदी से किसी को जान देनी नहीं पड़ती और सूखे के कारण भी किसी को परेशान होना नहीं पड़ता।